संविधान की समीक्षा की लोग बात करते हैं, क्यों उनको पच नहीं रहा? ये सबको बराबर का अधिकार क्यों मिला? सबको शिक्षा का अधिकार? कुछ लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि संविधान को अब आज के हालत में हमें बदलना है। मित्रों, मैं बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों से निवेदन करता हूं कि हम लोग जितने ताकतवर बनेंगे, जितने हम लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, और वो चाहते ही हैं, अगर हम चलते रहेंगे और कोई एक छाते के नीचे आ जाएंगे तो दुनिया की वो ताकत हमें बुरी निगाह से देख नहीं सकती। साथियों, तो आज के अवसर पर मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर बाबा साहब के चरणों में बैठकर ये संकल्प आगे ले जाने में सक्षम होंगे। और ये भी भगवान से तथागत से निवेदन करता हूँ कि आपका जय और मंगल हो। जय भीम। जब बाबा साहब यहाँ आए थे, बाबा साहब के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। अब इसी कड़ी में भैया और पीछे आ रहे हो उधर भैया, दोनों पीछे आ गए भैया। के सम्मानित अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री और हमारे कैंट से विधायक, मेरा सौभाग्य कि एडवोकेट साहब भाई भारत सिंह, एडवोकेट साहब श्री कंचन सिंह जी मंच पर बैठे हुए, दोनों समितियों के सभी माननीय बाबा साहब के सभी समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य बाबा साहब के 130वें इतिहास बनता है और इतिहास फिर ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। एक आम आदमी को इतना ज्ञान नहीं हो सकता है, ये अवतारी पुरुष होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है। कौन से ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे जो स्वयं बाहर पढ़ के आए थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उन्होंने या तो लाल मैकाले को जब भगाया था तो उसकी अंग्रेजी को भगा देते। जब वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय करतार सिंह भारती जी, केंद्रीय समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मंच पर विराजमान अपने केंद्रीय समिति के सभी सम्मानित साथियों और सामने बैठे मेरे सभी डॉक्टर अम्बेडकर वाणी साथियों, मुझसे पूर्व हमारे संचालक महोदय ने बताया था कि ये रजत भीम नगरी का रजत जयंती समारोह है, की वजह से ये पूरा भीम नगरी का और अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम भी स्थिर करना पड़ा था। आगरा वासियों ने मंच पर जो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है, कश्यप जी, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है, भारत सिंह एडवोकेट जी, और उसी के उपलक्ष्य में आज तीन दिवसीय ये भीम नगरी का कार्यक्रम रामलीला मैदान में हो रहा है। और ये मैंने बताया भी कि बहुत सारे वीआईपी यहाँ पे आने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब के बहुत सारे अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। और आज यहाँ पर अपने सांसद जी एस पी सिंह बघेल जी ने, जो हमारे आगरा के लोकप्रिय सांसद, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और कल यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन होगा जय, और परसों जो मेधावी छात्र हैं जय उनको जय उनको सम्मान पत्र दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ की बात है, इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत कर मजदूरों के मसीहा परम पूज बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती समारोह पर आज यहां भीम नगरी करके दिया है, क्योंकि जो हम जयंती मना रहे हैं, जयंती से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से संघर्ष होता है, संघर्ष को सत्ता मिलती है,
और सत्ता से इतिहास बनता है, इतिहास इसी प्रकार से पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो मैंने आज अपनी गुड क्वालिटी एजुकेशन की बात कही है। दुनिया में कोई काम हम हैसियत से बढ़कर करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में एक काम है जिसमें अपनी हैसियत मिटा देंगे तो आबाद हो जाएंगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन का। अगर हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो सभी कुछ वापस आ जाएगा जो उन पर हमने खर्च किया है। टाइम सच के आगरा फोर्ट रामलीला ग्राउंड पे जहाँ पे बाबा की 25वीं भीम नगरी सजाई गई है और यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग आए हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर एस पी सिंह बघेल ने इसका उद्घाटन किया है। काफी संख्या में लोग और कल भी यहाँ लोग मौजूद रहे। सामने की लड़ाई में इस भीम नगरी हमारे 11 लोग शहीद हुए, काफी लोग आए हैं। मैं देखने आया कुमार शर्मा, उसमें मेरा भाई अपने कैमरामैन नरेंद्र भाटिया के साथ। अशोक को जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।